हे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पे आज मैं जा रही हूँ पालक पनीर बनाने। तो यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे से फ्रेश धुल लिया है और धुल के मैंने इसको अच्छे से छाट के धुल के फ्रेश इसका पानी निकाल के इसको रख दिया है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। तो और यहाँ पर मैंने अब इसको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ पनीर के लिए, ये मेरे बच्चों ने निकाल दिया थोड़ा सा, ये 2 प्याज, 2 टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्चा। और इसमें जो भी मसाले लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और चलिए फिर हम अपने स्टार्ट करते। तो यहाँ पे मैं ये पालक को रख दे रही हूँ इसमें बॉईल होने के लिए। और पूरा बॉईल होने के बाद में इसको हम इसमें ऐड कर लेते। तो इसमें मैंने पालक, अब इसमें मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जितना आपको पानी चाहिए तो 1 लोटा पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको गैस पे रख दिया है और इसको गैस को ऑन कर देती हूँ मैं, और इसको मैं ऐसे ढक देती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ा। तो जब तक हमारा पालक उबल रहा है तब तक हम अपने सारे इंग्रेडिएंट को कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पनीर को काटना स्टार्ट करती हूँ। तो ये पनीर को ना मैंने घर में ही बनाया था, जैसे दूध फट जाता है कभी कभी तो मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। तो ये मैंने घर पे बनाया है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट है। तो अगर आप लोग के घर में भी अगर पनीर दूध फट जाता है तो उसको वेस्ट ना किया करिए, उसको पनीर बना लिया करिए। ठीक है, तो पनीर फटा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं मेरे घर में पालक भी रखा था और काफ़ी दिन से मेरा मन भी कर रहा था, बच्चे भी बोल रहे थे कि हमें पालक पनीर खाने का मन है मम्मा। तो फिर मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस काटिंग कर ली। तो फिर मैं पूरे हमारे पालक में अच्छा खासा बॉयल हो चुका, अब इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा पालक अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो हम अब इसको जार में, ये ठंडा मैंने निकाल के पहले से ही रख दिया था, तो ये ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का फुल्का गर्म है। तो अब मैं इसको जार में डाल दे रही हूँ और जार में डाल के मैं कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से अदरक लूँगी और थोड़े से इसमें मिर्चे, जितना आपको चाहिए उतनी मिर्चे, और 2-3 कलियाँ लहसुन की मैं ऐड करके और इसको पीस लूँगी। बस मैं इतना ही चीज़ यूज़ करती हूँ। और इसको अच्छे से पीसने के बाद में देखिए यहाँ पे कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। और फिर अब चलिए इसकी तैयारियाँ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पेस्ट इसका अच्छे से मैंने पीस दिया है। अब इसको मैं साइड में रख के एक बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है, देखिए अलग से निकाल के इसको रख दिया है मैंने। अब चलिए हम यहाँ पर पनीर को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई रखी हुई है, तो लोहे की कढ़ाई में फ्राई करना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि मैं तेल वाला कोई भी काम करती हूँ ना तो फिर लोहे की कढ़ाई में करती हूँ। क्या है ना कि इस कढ़ाई में ना चिपकने का डर नहीं रहता, और नॉर्मल कढ़ाई अगर हम यूज़ करते हैं ना तो उसमें कोई भी चीज़ बनाओ ना तो चिपकने का बहुत डर रहता है। तो इसमें यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, कुनकुना पानी है ये, और मैं इसके अंदर ना पनीर को निकाल के ऐड कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि मेरा पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा रह जाता है, जैसे एकदम स्पंची टाइप का, सॉफ्ट स्पंची हो जाएगा, जो कि खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ये मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, जो कि अंदाज़ से 2 बड़े चम्मच के हिसाब से है। और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच के करीब मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा यहाँ हमारा अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये, हाँ, थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें कि दालचीनी है और लौंग है और काली मिर्च है थोड़ी सी, तो हम इसको ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा प्याज इसमें ऐड करेंगे, जिसको हमने चॉप कर लिया था, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और इसको अच्छे से चलाते हुए हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब ये ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर हमारा प्याज लगभग भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर ऐड करने के बाद हम ना इसको अच्छे से भून लिए हैं। भूनने के बाद में ना हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, जो कि मैंने सब्जी मसाला ऐड किया है इसमें,
और ये धनिया पाउडर है जो कि एक छोटा चम्मच है, और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे। तो इन तीनों मसालों को हम एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डालेंगे, बस यही मसाले हैं। और थोड़ी सी ना मैं कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करती हूँ छोटे चम्मच, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन मसालों को इसी में भून लूँगी। इसको कम से कम दो तीन मिनट ना मैं इसको भूनूँगी अच्छे से, क्योंकि मसाले को अगर आप अलग से करना चाहते हो, पहले से अगर मसाले को आपने गर्म पानी में भिगो के रखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर जैसे आप ऐसे कर रहे हो तो आपको कढ़ाई में ही भून। तो यहाँ पर मसाले, प्याज टमाटर जितने भी मसाले हमने डाले थे अच्छे से भून चुके हैं। और यहाँ पर ना मैंने जो पालक का पेस्ट बनाया था तो उसको मैं ऐड कर ली हूँ। ऐड करके मैं दोनों को मिक्स करके अच्छे से दोनों को मिक्स करके पकाऊंगी। और फिर इसमें ना आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहिए थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ना मैंने आधे ग्लास पानी को ऐड किया है अच्छे से। तो अब इसको चलाते हुए हम पकाएंगे। और इसमें हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं वीडियो अच्छा बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। अभी मैं नई नई यूट्यूबर हूँ तो आप लोग का सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो में कोई कमी होती है तो प्लीज़ मुझे बताया करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरे पालक में हल्का फुल्का बॉईल होने लगा था, तो इसमें मैंने पनीर को जो मैंने फ्राई करके रखा था तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद में हम इसमें इसको ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ना नमक की वीडियो में नहीं ऐड कर पाई थी, तो इसमें मैंने नमक भी स्वाद अनुसार डाला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी हद तक मैं 50% 90% तक पक चुका है बहुत ही अच्छे से, और ये गाढ़ा भी हो चुका है देखिए। तो फ्रेंड, अब इस प्रोसेस में मैं इसको बंद कर देती हूँ, सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है, और कितनी अच्छी थिक, एकदम थिक कंसिस्टेंसी हमारी पालक पनीर रेडी है। और इसको सर्व करिए चावल के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करके खा सकते हैं। और ना मेरे घर में थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया है मलाई से। मलाई पड़ने के बाद ये और अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। ओके, बाय।